morning students, how are you all? I hope you all are fine and doing well. So today's our topic is properties of addition of chapter 2. Properties of addition. Properties of addition. What is the properties of addition? Addition of properties is order property of addition. First is order. Order property. And second is grouping property. Grouping property. Means the sum of two numbers remains the same even if we change the order of the numbers. It means ki order property ka matlab kya hai ki order property mein hum do numbers ko unke usme order mein plus karte hain. Agar uska order change bhi karenge to hamara jo sum hoga wo same hoga. To isko kehte hain order property. Next is grouping property. ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है? ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में व्हाइल एडिंग देयर थ्री और मोर नंबर्स द नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी वे द सम रिमेन्स द सेम. दिस इज कॉल्ड द ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन. इसमें जैसे हमें दिया होता है कि पहले हमें मान लीजिए टू नंबर्स दिए हैं, कोई भी 270 एंड 380. हमें दो नंबर दिए 270 एंड 380. अब ये नंबर्स हमें दिए हुए हैं और इनको बोलना है कि पहले इनका ग्रुप, इस ग्रुप को हमें ऐड करना है. ये जैसे कि हमें पहले ऐड करना है किसको, 270 को और 380 को, ठीक है. उसके बाद इसका जो सम आएगा, ग्रुपिंग में क्या होता है कि पहले इस ग्रुप को प्लस करना है आपस में और जो इसका सम आएगा उसको हमें प्लस करना है 120. बाद में पहले हमें इन दोनों को प्लस करना है, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उस आंसर से हमें 120 प्लस करना है. कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ. प्लस 380, ये हम प्लस करेंगे. फर्स्ट ग्रुप है ये, इसको हमने पहले प्लस करना है. 0, 8, 7, 15, 5 and 1 here, 3, 2, 5 and 1, 6. 650 इसका आंसर आया. तो हमें इसको प्लस किसके साथ करना था, 120 के साथ. उन्होंने क्या बोला इस क्वेश्चन का, क्या था क्वेश्चन था, ग्रुप 270 एंड 380 टुगेदर एंड एड देयर सम टू 120. ये दोनों एक साथ हैं, इन दोनों को पहले प्लस करके फिर जो इसका आंसर आएगा उसको हम 120 के साथ प्लस करेंगे. तो अब हम इसको 120 के साथ हमारा कौन सा प्लस करेंगे, 650. क्लियर है? इसको हम कहाँ ले गए, यहाँ पे इसके पास ले गए प्लस करने के लिए. इसको हम ऐसे शो करेंगे कि 120 के पास हम 650 को प्लस करेंगे. अब हम कैसे प्लस करेंगे, 0, 5, 2, 7 and 7, 17. सो आर आंसर इज 7, 17. क्लियर है? मैं आपको दोनों प्रॉपर्टीज का एक सिंपल एग्जांपल दोनों के बताती हूँ कि कैसे किसको करना है. जो हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी थी, ऑर्डर प्रॉपर्टी है, ऑर्डर प्रॉपर्टी में कोई भी दो नंबर्स को लेना है हमने. जैसे हमने नंबर्स लिए फॉर एग्जांपल 2800, यहाँ पर लिया 5317. ओके, ये हमारे पास टू नंबर्स हैं, ये दो एडेंट्स हो गए ना हमारे पास,
इन दो एडेंट्स को हमने आपस में प्लस करना है. 0771 8311 1 and 1 here 5 2 7 and 1 8. दिस इज द आंसर. फर्स्ट प्रॉपर्टी कर रहे हैं हम इसमें ऑर्डर प्रॉपर्टी. ऑर्डर प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम किसी भी तरह के ऑर्डर में एडेंट्स को लिखते हैं. अब जैसे हमने यहाँ पे इसको लिखा 5 3 1 7 2 8 100 100 2 8 0 0. सो हम प्लस करेंगे 7 1 8 3 11 1 and 1 5 1 6 and 2 8. आंसर इज सेम. ये हमने इस ऑर्डर प्रॉपर्टी का करा. ऑर्डर प्रॉपर्टी में हम एडेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, चाहे हम इस नंबर को फर्स्ट लिखें या हम इस नंबर को फर्स्ट लिखें. यहाँ पर हमने ये वाला नंबर इंटरचेंज कर दिया तो भी हमारा आंसर सेम आया. इसको कहते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी. अच्छे से समझ के करेंगे बेटा. ये है ऑर्डर प्रॉपर्टी. क्या है ये? ऑर्डर प्रॉपर्टी. अब क्या है नेक्स्ट? है ग्रुपिंग. ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था, एक एग्जांपल और दे रही हूँ. नेक्स्ट नेक्स्ट इज ग्रुप. ग्रुप 587 एंड 232. ग्रुप 587 एंड 232 टुगेदर एंड टुगेदर एंड ग्रुप 587 एंड 232 टुगेदर एंड एड देयर सम टू एंड एड देयर एड देयर सम टू सम टू 178. अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है? ग्रुप आ गया, पहले लिखा ग्रुप 587 एंड 232, यानी कि इन दोनों को ग्रुप में प्लस करना है. 587 232. अब हम इसको प्लस करेंगे 7 and 2 9 8 or 3 11 1 here 1 carry over here 5 2 7 and 1 8. दिस इज आंसर. एंड अब क्या बोला है? टू ग्रुप 587 एंड 232 टुगेदर एंड देयर सम टू 178. इन दोनों को एक साथ प्लस करना है, पर जो इसका सम आएगा उसको किस में प्लस करना है? 178 के साथ. तो अब हम इसको कहाँ ले जाएंगे? यहाँ पर 819. अब हम इसको क्या करेंगे? प्लस. ये याद रखना है, ये वाला हम इसके साथ प्लस करेंगे जब लिखा हुआ है ग्रुप 587 एंड 232 टुगेदर एंड देयर सम टू 178. तो हम पहले इन दोनों का सम निकालेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा इस ग्रुप का जो हम सम करेंगे उस सम को हम 178 के साथ प्लस करेंगे. 9 and 8 17 7 here 1 carry over here 1 7 17 1 7 8 and 9 and 8 or 1 9. This is the answer. Answer is 997. Clear है आप सबको? Now students, open your notebook. Now students, open your notebook and write the details. Date, classwork, chapter 2 edition and heading is solve the sum. Open your notebook and write the all details. And our first question is group 356 and 473. Group 356 and 473 together and add their sum
add their sum to. Group 356 and 473 group कौन सा है? Group ये वाला है. ये group है तो हम सबसे पहले इस group को तो हम यहाँ पे लिखेंगे SOL. SOL मतलब solution. The sum बोला है तो हम यहाँ पे solution लिखेंगे. अब इसको कैसे करेंगे देखिए. Three numbers वाले हैं 100, tens and ones. Three places 100, tens and ones. 356 and 473. ये ग्रुप है इनका फर्स्ट. फर्स्ट ग्रुप को हम प्लस करेंगे. 639 57 12 2 here 1 कैरी ओवर हेयर 437 9 1 8. तो ग्रुप का हमारा सम क्या आया? इस ग्रुप का फर्स्ट ग्रुप का 8 to 9. ग्रुप का सम क्या आया? 8 to 9. अब हमें क्या करना है? 8 टू 9 को प्लस किस में करना है? यस 750. 750 हमारे पास था. हमने 8 टू 9 को यहाँ पे ले गए. अब हम यहाँ पे 8 टू 9 प्लस करेंगे. 9 5 2 7 8 7 15. आंसर इज 1579 यानी कि 1579. तो इसके आगे अब हम लिख देंगे आंसर. आंसर इज 1579. प्लीज बेटा अच्छे से करना है वर्क. वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन. सॉल्व द सम. Sum is A part group 356 and 473 together. Together मतलब एक साथ. इन दोनों को एक साथ प्लस करना है. And their sum to 750. And इसका जो sum आएगा उसको 750 में add करेंगे. तो हमारा जो answer आया है ये हमारा answer है 1579. Clear everyone? Do it fast. Next sum, group 230. Group 230 and 645. Together group 230 and 645 together and add their sum to. And add their sum to. Again, we have a group 230 and 645. Our group is, write here solution SOL, 100, tens and ones, 2, 3, 0. We take first group 2, 4 and 5. Add the numbers 0 and 5, 5, 3, 4, 7. 6 2 8 8 75. Here we have 450 and we have 450. So we added here 875. Yes, यहाँ पे लिखा है group 230 and 645. 230 और 645 का एक group है. इन दोनों addends का इनको हम ऐड करेंगे. ऐड करेंगे जो आंसर आएगा उसको हम किसके साथ ऐड करेंगे? 450 के साथ. अब 450 के साथ ऐड करेंगे तो 5 7 5 12 2 here 1 here
8 4 12 and 1 13. Answer is 1325. 1325. This is the answer. Yes, clear students? Please do your work neatly. ग्रुप 230 एंड 645, 230 और 645 का एक ग्रुप है, उसको हमने प्लस किया. उसको प्लस करने के बाद जो इस ग्रुप का आंसर आया उसको हमने 450 के साथ प्लस करना है. 450 के साथ इसको हमने प्लस किया तो आंसर इज 1325. क्लियर है स्टूडेंट्स? आप इसको अच्छे से करेंगे. और आज जो आपका होमवर्क होगा वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, क्योंकि टुडे इज ट्यूसडे एंड ट्यूसडे इज आर होमवर्क डे. टुडे ट्यूसडे इज आर होमवर्क डे, दैट्स व्हाई आई विल सेंड द होमवर्क इन थर्ड क्लास ग्रुप आफ्टर 1:30. I hope you all are understand the properties of addition. First is order property and second is grouping property. Order property means the sum of two numbers remains the same if we change the order of the number. Order property means क्या? Order property the sum of two numbers, मतलब कि जो दो numbers का sum होता है चाहे हम उसको कितना भी चेंज करके लिखें, उसका इंटरचेंज करके भी लिखें तो उसका टोटल वही आता है. और ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है? ग्रुपिंग प्रॉपर्टी में आपको ये है कि जैसे एक ग्रुप दिया होता है उसको प्लस करके फिर उसके बाद वाले नंबर के साथ ग्रुप के प्लस किया हमने, इसको कहते हैं ग्रुपिंग प्रॉपर्टी. क्लियर है? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.